स्टूडेंट, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए CBSE का न्यू अपडेट जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेके आया है उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले, अभी तक पिछले महीने में काफी बातें चल रही थी कि इस बार एग्जामिनेशन जो प्रैक्टिकल का है वो दूसरे स्कूल में होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। CBSE ने क्लियर कर दिया गया है इस बार भी जो पैटर्न 2019 में था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग CBSE में एग्जाम होगा। बस कुछ नए अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इस बार जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 1 जनवरी 2020 से 7 फरवरी 2020 के बीच में कंप्लीट करना पड़ेगा। हर एक स्कूल को 7 फरवरी तक अपना क्या है प्रैक्टिकल कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी किसी भी स्कूल को। दूसरी बात, इसमें कुछ और नया अपडेट हुआ है। जैसे अब पिछले तक में ऐसा कुछ नहीं था, मगर इस बार क्या अपडेट हुआ है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे बैच वाइज, तो इस बार इंटरनल और एक्सटर्नल जनरली हुआ करते थे, मगर इस बार एक ऑब्जर्वर CBSE अपनी तरफ से भेजेगी और जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहा होगा उसके बीच में ऑब्जर्वर, बैच स्टूडेंट, लैब जहां पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इन सबके फोटोग्राफ CBSE ने एक ऐप प्रोवाइड करेगी अपने साइट पे, जिसके ऊपर हर एक स्कूल को क्या करना पड़ेगा उसे अपलोड करना पड़ेगा। और उसकी खासियत क्या होगी ऐप की कि फोटोग्राफ अपलोडेड इज जियो टैग एंड टाइम टैग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ये नहीं है कि किसी और स्कूल में आप करवा सकते हैं, लोकेशन आपकी उसके अंदर अपलोड होगी कि कौन सी जगह पे आपका स्कूल है और कहां से अपलोड किया जा रहा है और टाइमिंग क्या है, आप उसे आगे पीछे नहीं कर सकते। जो टाइम आपने मेंशन कर रखा है उसी टाइम पे उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा और तुरंत बैच खत्म होने के बाद। दूसरी बात, जो प्रैक्टिकल पेपर एग्जामिनेशन की बात करें तो 15 फरवरी से CBSE ने जो पहले पेपर होते हैं, म्यूजिक का पेपर हो गया जो सिंपल पेपर है, लैंग्वेज बेस्ड, स्किल पेपर बोलते हैं जिसे हम स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन, वो सारे पेपर 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और एज यूजुअल 1 मार्च के आसपास आपके जो CBSE के जो सब्जेक्ट हैं जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, इन सब के प्रैक्टिकल की डेट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को न्यू अपडेट पसंद आया होगा। तब ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।